दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए सभी से यह निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिसे जान करके आप ये जानेंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आते हैं। जैसे कि दोस्तों, सभी लोग जानते थे कि महात्मा बुद्ध एक राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के एक सन्यासी का रूप ले लिया, तो इसीलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के वो 12 महत्वपूर्ण नियम, यानी कि एक और से कह लो कि आज हम उनके पूरे जीवन के सार हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए सभी से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुने और उस 12 बातों को सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपको कोई बुढ़ापा छू ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राज में वीरसेन नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायप्रिय राजा था। उनके दो रानियाँ थी। उनके दोनों रानियाँ अति सुंदर, वो भी रानियाँ उस राजा के स्वभाव पर गई थी। वह रानियाँ भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनके प्रजा कभी दुख के सामना ही नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था कि जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखोगे, सबके मतलब अलग अलग काम बांटे गए थे, तुम्हें ये कार्य करना है। और इतना उनका सत्य हिदायत था, कोई भी अपने काम में लापरवाही पाने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनकी जो समूह में, जो उनकी मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे और राजा जो है, कभी भी उसे जब न्याय करना होता था सभा में उनके साथ, तो कभी भी वो अपने न्याय नहीं करता था। वो किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करता था। वो दोनों पक्ष के एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों के विषयों पर, मुद्दों पर ध्यान देकर वो सही और निष्पक्ष फैसले सुनाते थे। इस तरह से राजा के प्रजा के जो राज्य थे, उसमें सब प्रजा सुखी थे। अब राजा का एक नियम यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के जितने लोगों थे, उनकी एक सभा बुलाई जाती थी। किसके घर कितने अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है, उसे अनाज दिया जाता था। ऐसी एक प्रकार की व्यवस्था थी। तो उनके जो सभी जो है प्रजा थे, वो एकदम सुख जीवन में चल रही थी। तो इसी समय से उनका राज्य आसानी से चल रहा था। सारी प्रजाएं सुखी थी और इसी सुखी के वजह से हमेशा जो है सारी प्रजाएं राजा का गुणगान गाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमें हमारी समस्या का समाधान करें। राजा बोलते हैं, क्या बात है, बताइए किसान। कहते हैं कि मेरे दो बेटे हैं, अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है, अभी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 27 से 28 साल होगा, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। बाल झड़ते जा रहे हैं और उसके पेट निकलते जा रहा है, बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता है। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दबा कराया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। महाराज कहते हैं, ठीक है, मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री अपने राजवैद्य से इस किसान का बेटे का इलाज करवाया जाए, जो भी खर्चा होगा उस राज्य कोष से दिया जाए। मंत्री ऐसा ही करते हैं, उनके दोनों किसान के बेटे का इलाज राजकोष के खर्च से राजवैद्य करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर वो किसान सभा में उपस्थित होते हैं और कहता है कि महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे की वैसे ही है। राजा कहते हैं,
ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रही थी कि उसी गांव से, उसी राज्य से दो लोग और आते हैं। पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और वे भी वही कहते हैं, समस्या यही होती जा रही है। फिर धीरे धीरे सभा चल ही रही थी कि ऐसे ऐसे एक एक करके पूरे गांव के आधा से ज़्यादा लोग आए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि सारे राजवैद्यों को बुलाया जाए, दूर दूर से राजवैद्यों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नर युवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस पर पूरा खोज करें, अनुसंधान करें। राजा का यह सख्त आदेश था। सारे मंत्रियों को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। पूरे राज्य के छानबीन करके सबके घर के पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है। बाहर से भी वैद्य को बुलाया गया। जितने जितने प्रसिद्ध वैद्य थे सारे वैद्य को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की। उस आपातकालीन बैठक में सारे राजवैद्यों से विचार विमर्श किया गया कि राजवैद्य लोग, आपके पास 10 दिन का समय है। इस 10 दिन के समय में पूरे राज्य के हर एक घर घर की बीमारी का आप पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से ये हो रही है, उसे पता लगाया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का सही सही सटीक पता लगा लेगा उस राजवैद्य को पुरस्कार के रूप में मैं एक राज्य दे दूंगा। अब सारे राजवैद्य एकदम से जुट गए, अपने पोथी पथरा किताब लेकर के और घर घर जाके रात दिन एक करके पूरा 10 दिन छानबीन चलता रहा। फिर 11वें दिन राज की सभा लगती है। उस राजसभा में सारे राजवैद्य, पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे राजवैद्य से पूछते हैं। सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने तो बहुत छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से औषधियाँ और उपचार भी किए, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। तो उसमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो बहुत बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 130 से 135 साल की थी और उसने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। 130 साल का बुजुर्ग बता रहा है तो इसका समाधान क्या होगा। कुछ देर बाद वह राजा कहता है, राजवैद्य, आप अब इसका समाधान आप ही बताएंगे, क्योंकि हम आज एक महीने से इसके कारण हम खुद बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हमारी प्रजा परेशान होती जा रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारियां जो भी है, सब लोग अपनी प्रजा से परेशान है। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास एक उपाय जरूर है। इस समस्या का सारा समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ के लाया जाए तो आपकी राज्य के सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवैद्य जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए। मुझे जल्दी उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए, हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। वह राजवैद्य कहता है, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहाँ पर है, कहाँ पर वो उपदेश दे रहे हैं। केवल
उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। राजा ये बात जैसे सुनते हैं राजवैद्य के मुंह से, अपने जो वो नौ उनके मंत्री थे, जो सबसे काबिल मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ये हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितने भी सेना चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और आप पता लगाइए इस समय महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है। वह जरूर आएंगे, उनका हमारा संदेश भेजिए। अगर वह नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। अपने समस्या का निवारण लेकर सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद महात्मा बुद्ध का काफ़ी दूर राज्य में पता चलता है कि वहां उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहां जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान आपको हमारे राजा ने बुलाया है, हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गया है, कृपया आप हमारे साथ चलने का कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि हमारे पूरे भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सुना सैनिक के मुंह से, उन्होंने कहा क्यों नहीं, तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ मंत्री के राज्य में आने के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। महात्मा बुद्ध को राजा दरबार में स्वागत करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है, बड़े स्वागत सम्मान किया जाता है। और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आप ये हमारे प्रजा अब देख रहे हैं, इतनी विशाल प्रजा है, बड़े ही हसमुख प्रजा थी, बड़े ही सुखी प्रजा थी, लेकिन आज इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य है, कृपया आप ही इन सब का समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा की तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये समस्या सब लोग अपने आप पाले हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है, इतनी बड़ी समस्या है और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। तो राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दे। महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था, महात्मा बुद्ध उस चेले के तरफ इशारा करता है तो चेला कहता है, ठीक है राजा, कल से मैं रोज सुबह 4 बजे आपके राज्य में, हमको एक ऐसा खुला स्थान दे दीजिए जहाँ पे आपके राज्य के सारे लोग एकत्रित हो सके, जहाँ खुला वातावरण हो, जहाँ प्राकृतिक धूप आती हो, जहाँ प्रकृति की सारे हवाएं आती हो, सुनहरा माहौल हो, वहाँ पे कल से हमारा 4 बजे से शुरू हो जाएगा लोगों को उपचार देना, लेकिन उससे पहले आप अपने राज्य में एक आदेश लागू कर दीजिए कि सब उस स्थान पे, आपके पूरे राज्य पे और आप खुद उस स्थान पर सभी लोग उपस्थित हो, सभी लोग को वहाँ से कल से ही उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा, 12 दिन करके एक एक उपदेश दिया जाएगा और 12वें दिन आपकी जो पूरी प्रजा है वह प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य की मुँह से ये बात सुनकर बड़े खुश होते हैं, सिर्फ 12 दिन में। राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्चा आएगा वो सारे हमारे राज्य कोष से दिया जाएगा। फिर वह शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चित रहिए,
आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रजा में ये सख्त आदेश करवा दीजिए, जो 4 बजे यहाँ उठकर नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने ये आदेश लागू कर दिया और कहा, कल सुबह सबको वहाँ आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की विचार को सुनेंगे और जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उसके पालन करेंगे और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। ये सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा महाराजा को प्रणाम करती है और कहते हैं, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहीं पर स्थगित होती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध के प्रवचन शुरू होने वाला था, उसमें वो उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहाँ पे सबको 4 बजे आना था। महात्मा बुद्ध वहाँ पे 4 बजे पहुँच जाते हैं और उस राज्य के सारे लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे महात्मा बुद्ध पहला उपदेश बताते हैं, वो पूरी राज्य को संबोधित करते हैं और अपने शिष्य को इशारा करते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य खड़ा होता है अपने स्थान से और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग 4 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे। 4 बजे जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसी 4 बजे सबको उठना है। सब उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और सबको बैठ के अल्थी पलथी मार के जो गुनगुना पानी है वो मिट्टी के बर्तन में पीना है। मिट्टी के बर्तन से पानी सीप सीप करके पीना है। इसी को जो अनुसरण नहीं करेगा वो आराम नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था, इस पहला उपदेश को पालन करेगा और उसके बाद कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल ये उपदेश का सब पालन करके आएंगे। सभा वहीं समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से उपस्थित होकर वहां आ जाते हैं। सब लोगों से फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य पूछता है, क्या हुआ, कितने लोग पालन किए? सब लोगों ने हाथ उठाया और सभी ने कहा कि हमने इसका पालन किया और आज हमें बहुत आराम मिला। हमारा पेट एकदम सही से साफ हुआ, शरीर एकदम हल्की फुल्की लग रही है, एकदम हम स्वस्थ लग रहे हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध का शिष्य कहता है, अब दूसरा उपदेश जो करना है सबको टहलने चलना है, यानी कि आज के ज़माने में कहे तो सबको मॉर्निंग वॉक करना है। अपने अपने उम्र के हिसाब से सबको चलना है और चलना कितना है, 2 से 3 किलोमीटर। सबको 2 से 3 किलोमीटर चलना है। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान है, वो दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 के उम्र के हैं, वो तेज चलेंगे और चाल जो होगी 1 सेकेंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम, तेज चलना है। और जो दौड़ सके वो दौड़ेंगे, बहुत तेज नहीं दौड़ना है। सब अपने क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर ज़्यादा होगा पर कम नहीं, इसी हिसाब से सुबह चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। ये दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा शुरुआत होती है। फिर से लोग सभा में आते हैं तो सबसे पहले बुद्ध के शिष्य पूछता है कि 2 दिन का नियम सबने पालन किया? सब लोग हाँ में हाथ उठाते हैं। शिष्य पूछता है, कैसे आप लोगों को लग रहा है? सब लोग कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमको कोई बीमारी ही नहीं है। फिर शिष्य कहते हैं, अब सब लोग योगा करें, योगा प्राणायाम अपने हिसाब से सब लोग करें। योगा प्राणायाम में 2 योगा प्राणायाम जरूर शामिल होगा, 1 कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। सारे शिष्यों ने कपालभाति और अनुलोम विलोम का विधि सभी को बता दिया।
अनुलोम विलोम कैसे की जाती है, कपालभाति कैसे की जाती है, सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है, सभी लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक डेली इसे करना है, तब इस दिन की भी सभा समाप्त होती है। अगले दिन फिर सभा शुरू होती है और उस सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। सारे लोग उपस्थित होने के बाद फिर सबसे दिनचर्या पूछी जाती है, किसने कितना अनुसरण किया। सब ने कहा, अब तो हमको ऐसे लग रहा है कि अब हमको कोई बीमारी ही नहीं है, हमें कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना नहीं पड़ता, मेरी 4 बजे अपने आप आँख खुल जाती है। यह सुनकर महाराज बड़े खुश हुए, इतना बड़ा चमत्कार, बिना कोई पैसे की हमारी प्रजा ठीक हो रही है। महाराज तुरंत खुश होकर फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि आप हमारे ही राज में रहिएगा, जाइएगा नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वे चिंता नहीं करते। फिर वो कहते हैं, अब सबका योगा प्राणायाम सब कुछ हो जाने के बाद अब सब लोगों को अगला काम जो करना है, 300 ग्राम सबको सेब खाना है, इससे और ज़्यादा खा सकते हैं लेकिन कम नहीं। सेब खाने के बाद सब लोग जो भी अपना अपना काम है काम करेगा। उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ, सभा विसर्जित हुआ। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं, फिर सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो गए। फिर वशिष्य कहता है, नहीं अभी तो आधी बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है, जब आप पूरे नियम को अनुसरण कर लोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा तो छूमंतर हो जाएगी, बुढ़ापा पास नहीं आएगी, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगी, हमारे महात्मा बुद्ध के तरह सभी के चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर कहते हैं कि अगला उपदेश क्या है। अब सब लोग सेब खाए हैं, सेब मान लीजिए सबने खा लिया है 7 से 8 बजे तक, उसके 2 से 2.5 घंटे बाद सबको अपने फुल डाइट लेना है, सबको फुल खाना खाना है। खाने में क्या क्या खाना है अब खाने का वशिष्य बताता है, सबको रोटी खाना है, मल्टी ग्रेन रोटी, मिक्स रोटी। वो कहता है उसमें गेहूं नहीं होगा, गेहूं अच्छा चीज नहीं है, सावा जौ बाजरा रागी मक्के और एक चना, ये 5 चीज़ों को सबको रोटी बनाना है और सबकी थाल में इसकी रोटी होगी, 1 कटोरी दाल होगी और उसमें देसी घी गाय का डाला हुआ और 1 कटोरी मिक्स सब्जी या साग होगा, सीजन के हिसाब से जो सीजन वाली सब्जी होती है वही खाना है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है, बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर की होती है वो नुकसान पहुंचाती है, साग सब्जी जो भी खाना है वो सीजन के ही खाना है। ये सारी चीज़ें खाने के बाद उसके आधे घंटे के बाद उसमें 1 कटोरी 200 ग्राम सबको दही खाना है, दही में गुड़ डाल के, तो जब आप खाना खा के आधे घंटे के बाद दही में गुड़ डाल के खाओगे तो आपका खाना वो सब आसानी से पच जाएगा, जो कि दही में लैक्टोबायोटिक एसिड पाया जाता है जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है, इतना जो खाएगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब ये आज का उपदेश हो गया, कल सब इसको अनुसरण करके आएगा, तब सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। जैसे वो उपदेश में बताया गया सब लोग उसका पालन करते हैं। सब फिर अगले दिन की सभा होती है, सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं, सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम है। सारे लोग कहते हैं, अहो भगवान हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, हमको तो लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार हुए थे। महाराज और खुश हो गए। राजा कहते, वाह ये तो खाने से सब लोग ठीक हो गए, खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गई, धीरे धीरे ऐसे देखने में लग रहा है कि सबका मोटापा भी अपने आप चले जाएगा। तब वह शिष्य कहता है, रुकिए
अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो इतना ही है, आगे की और सुनिए। तो वह सबसे पहले ये बताता है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है, या तो खाइए या तो पीए। कहने का तात्पर्य है, अगर हम पानी पी रहे हैं, कोई भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो हम उसको खाने से एक घंटे पहले या खाने के एक घंटे बाद ही लेंगे। खाते समय एक घूंट पानी नहीं पीना है और ना ही खाने के बाद हमें तुरंत पानी पीना है। खाना खाने के एक या डेढ़ घंटे बाद ही हमें पानी पीना है। इस बात को ध्यान में रखें। अब फिर बताते हैं शाम को क्या नाश्ता लेना है। जैसे सब लोग 10 से 11 बजे खाना खा लिया, अब सबको भूख लग जाएगी, तो 4 बजे 5 बजे क्या लेना है। 4 से 5 बजे सबको एक प्लेट सलाद लेना है, और सलाद सबके वजन के हिसाब से होगा। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम, अगर किसी का 60 किलो है तो 300 ग्राम, किसी का 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम, किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद लेना है। उस सलाद में क्या क्या होगा। सलाद में होगी गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, और उसमें एक टुकड़ा होगा अदरक का, 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी, और उसको स्वाद के लिए आपको छिड़कना है तो उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं, और जीरा, भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले भी कुछ खाना पीना नहीं, जैसे पहले की बता दिया है। इसे फॉलो करें और अगले दिन आए तो उस दिन की सभा समाप्त होती है। सब लोग अपने घर जाते हैं और जैसे तैसे वो नियम बताए गए थे, सब लोग उनका पालन करते हैं। फिर जब वो अगले दिन सभा में आता है तो उनसे पूछा जाता है, आप लोगों को कैसे लग रहा है, आपकी शरीर कैसे लग रहा है। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान और सबके चेहरा जैसे एक तेज की तरह चमक रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो इनकी ढलती उम्र थम सी गई है, इतना एहसास हो रहा था। फिर राजा बड़े खुश होते हैं, प्रजा खुशी खुशी से सब उत्तर दे दिए। फिर वह राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। वह कहता है, धन्य है भगवान, आपने तो सबको खाने से ठीक कर दिया। तो वो शिष्य कहता है, महाराज रुकिए, अभी तो और सारे उपदेश बाकी है, अभी जब मैं पूरा उपदेश बता दूंगा तो हमारे भगवान की तरह कोई बीमारी नहीं होगा, कभी किसी को बुढ़ापा ही नहीं आएगा। राजा कहते हैं, जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, हमसे सारी चीजें सुनने को बड़ी इच्छा है। मन में भी मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं अभी 16 साल का हूँ। फिर बताते हैं अब रात को क्या करना है। सबका खाना जो रात का है, सूर्य डूबने से पहले सब लोग खाना खा लेना है, क्योंकि जब सूर्य ढलने लगता है, हमारे पेट पर जब सूर्य की रोशनी पड़ता है, हमारा जो जठराग्नि है, हमारा अग्नाशय, वो ज़्यादा काम करता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी झड़ने लगती है, कम होने लगता है, तो जठराग्नि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग सूर्य डूबने से एक घंटे पहले खाना खा लेते थे। तो इसके दो फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पच जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो 3 से 4 घंटा में आपका खाना पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पच जाएगा। इसके फायदे, एक तो आपकी नींद बढ़िया आएगी। अगर आप लेट खाना खाते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, आपके पेट में अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होगी, पचेगा नहीं, इससे आपको गैस एसिडिटी बनेगी। इसीलिए आपको सूर्य उदय से एक घंटे पहले रात की खाना खा लेना है। और खाने में क्या क्या लेना है, वही मल्टीग्रेन रोटी और साग सब्जी, सीजन के हिसाब से बस दो चीज़ें। और खाना कितना खाना है, नाम मात्र, यानी कि
हल्का खाना खाना है, जिससे लगे कि आपने खाना नहीं खाया है। फिर उसके एक घंटे के बाद आपको एक गिलास दूध पीना है, उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल देना है। हल्दी शुद्ध घर की होना चाहिए, बाजार के नहीं। उसे उबाल कर फिर ठंडा हो जाए फिर आपको पीना है। हल्दी वाला दूध आपके सारी बीमारियों को नाश कर देगा, ये इतनी शक्तिशाली होती है। अब सब इसको पालन करेंगे और उसको फॉलो करने के बाद दूध पीने के तुरंत बाद सोने नहीं चला जाना है। दूध पी के 1-2 घंटे के बाद सोने चला जाना है और आपको रात्रि के 10 बजे तक में सोने चला जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे आपको फर्स्ट क्लास नींद आएगी, आपके सारे खाने डाइजेस्ट हो गए। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो 4 बजे सुबह अपने आप आपके आंखें खुल जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। आखिरी में शिष्य कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सबको वर्तमान में जीना है, सबको बच्चे की जिंदगी जीना है। जैसे जो छोटे बच्चे होता है उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है, मेरे मम्मी का पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी का पापा से झगड़ा हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, मेरे घर में खाना है या नहीं है। उस छोटे बच्चे को जो खाना मिल जाता है वो उसे खाकर अपने आप खेलता रहता है, सिर्फ उसका पेट भरा रहे। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसे कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप सभी अपना वर्तमान में जिए, भूत भविष्य का चिंता मत करिए। आज हमारे साथ जो है उसमें खुश रहिए, भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या बीत गया उसकी चिंता मत करिए। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा और बीमारी नहीं होगी। जो लोग इन नियमों का पालन करेंगे, और एक बात, कभी कोई बाहर की चीज मत खाना, जो खाना अपने घर की शुद्ध बना करके खाना, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत मिलावट होती है। ये आज की पूरी उपदेश, उसी उपदेश को जो पालन करेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी बीमारी नहीं होगी। ये नियम सब पालन करेंगे फिर 1 महीने बाद यहीं पर एक सभा लगेगी, सब इसी सभा में उपस्थित होंगे। समय बीत गया, 1 महीना फिर हुआ। 1 महीने बाद महात्मा बुद्ध महाराज के पास पहुंचते हैं, उनके दरबार में पहुंचते हैं। महाराज दौड़ करके उनके स्वागत सत्कार से सम्मान करते हैं और कहते हैं, आइए गुरुवर आइए, ये तो राज्य आपका है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, बताइए राजन आप लोग कैसे हैं, आपका प्रजा लोग कैसे हैं। राजन कहते हैं, अहो भगवान, आपने जो उपदेश दिया है हमारी पूरी प्रजा ऐसे देखने में लग रही है जो 60 साल के थे लग रहे 15-20 साल के हो गए, सबकी ढलती हुई उम्र रुक गई है, सब लोग हृष्ट पुष्ट है, हमारे राज वैद्य लोग तो बैठ के आराम कर रहे हैं, उन्हें तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं है, सब लोग अपने आप तंदुरुस्त है, हमारी प्रजा बड़ी खुश है। मैं यही चाहता हूँ कि कल हमारे प्रजा आपकी दर्शन करना चाहती है, कल सभी को सभा में बुलाता हूँ, कल के लिए आप कृपया करके रुक जाइए। और राजा अपनी पूरी प्रजा को एकत्रित करता है, उनकी सारी प्रजा महाराज भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आयुष्मान भव। सब लोग खुश होते हैं, पूरी प्रजा खुश होते हैं। इस उपदेश को जीवन भर पालन करने का सब लोग वहीं पर प्रण लेते हैं और राजा कहते हैं, आपने जो ये उपदेश दिया है मैं इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। राजा और प्रजा के मुख से ये बातें सुनकर भगवान बुद्ध बेहद खुश होते हैं और फिर महात्मा बुद्ध वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आखिर तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।